वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ अब जुड़ गए हैं सीएफपी विश्वजीत पराशर। आपका स्वागत है विश्वजीत जी। और आपके साथ अब हम शुरू करेंगे फिर से फाइनेंशियल प्लानिंग का जो हमारा सिलसिला है। हमारे दर्शक राजीव शुक्ला भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मैंने आपके पास अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है और इसमें मेरा SBFC टॉप 100 चल रहा है मैम, और एक SBFC पेंशन चल रहा है, पेंशन फंड चल रहा है सुपर, और एक SBFC गोल्ड चल रहा है। इसी तरीके से एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस फोकस जो है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैं SBFC में खास इसका हमें कोई ज्यादा बेनिफिट होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मुझे सजेस्ट करे कि मैं इनसे निकलूँ या नहीं, और मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। और राइट विश्वजीत जी, आपके पास पोर्टफोलियो है इनका, बताएं। जी जी बिल्कुल शुक्ला जी, राजीव साथी क्या नाम है, राजीव शुक्ला जी। तो राजीव शुक्ला जी, आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, मैंने देखा आपने लार्ज कैप फंड्स भी ले रखे हैं और मिड कैप फंड्स भी हैं, तो इसमें मेरा यही कहना कि जो आपका जो गोल है 2 करोड़ का, वो उसको अचीव करने के लिए करीब आपको 1 लाख रुपए की SIP करनी पड़ेगी, तब जाके आपका गोल अचीव होगा। और इसमें आप 26,000 रुपये ऑलरेडी कर रहे हैं, सो आपको कुछ SIP हर साल बढ़ाते जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ शुरुआत करनी है, तो आप हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसको बढ़ा सकते हैं। और मेरा यही एडवाइस रहेगी कि आपने जो ICICI इक्विटी एंड डेट फंड ले रखा है वो शायद अभी सही परफॉर्म नहीं करेगा इस मार्केट में, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं ICICI ट्रू फ्लेक्सी कैप फंड में, जहाँ पे आपको फ्लेक्सी कैप का एक्सपोजर भी मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि आपके फंड में एक मल्टी कैप फंड की भी कमी है, तो आप उसको भी पूरा कर सकते हैं, निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड या फिर आदित्य बिरला मल्टी कैप फंड से भी आप उसको पूरा कर सकते हैं, और कुछ एक्सपोजर आप फ्लेक्सी कैप फंड में भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि SBI फ्लेक्सी कैप फंड। और जब आप रिटायरमेंट गोल के करीब पहुंचे तो आप ये मान के चले कि आपको साल पहले सारा पोर्टफोलियो करीब करीब डेट में शिफ्ट करना है, ताकि आपको लास्ट मिनट कोई सरप्राइज ना हो, क्योंकि आपकी लाइफ टाइम सेविंग है, हार्ड एंड मनी है, तो लास्ट मिनट में मार्केट कभी वोलेटाइल हो सकती है जैसा कि आजकल भी चल रही है, तो आप यही कोशिश करें कि ये एक साल पहले आपको सारा पोर्टफोलियो डेट में शिफ्ट करना है, क्योंकि लास्ट मिनट सरप्राइज नहीं चाहिए। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है, आप उसमें बने रह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए कोई सवाल और पूछना चाहते हैं आप राजीव जी? शायद फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है। अगले दर्शक भी रचना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रचना हाय, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? आई एम गुड मैम, हेलो। हाँ जी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? या आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपने कब से इन्वेस्टमेंट शुरू की है? पिछले 1 साल से। ऑलराइट, सो पिछले 1 साल से जो आपने ये पैसे जोड़कर रखे थे जिनको निवेश किया है, या 1 साल से आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि आप इतना निवेश करेंगी, क्योंकि आप 62,500 रुपए निवेश कर रही हैं 10 फंड में? या तो आप ये हर महीने कर रही हैं ना अभी? या SIP हर मंथ। वेरी नाइस, आपको कहाँ से सीख मिली SIP के जरिए निवेश करने की? आई लर्न फ्रॉम माय फादर। वेरी नाइस, तो आपके डैड ने आपको फंड्स भी इकट्ठा करके दिए हैं? नो, दिस इज फ्रॉम माय जॉब एंड ऑल, सो या। तो आपने किसी को कंसल्ट नहीं किया मतलब? नो, आई डू माय ओन रिसर्च अलोंग विद माय फादर एंड देन वी वॉच योर शो फॉर द एनालिसिस एंड ऑल एंड देन अकॉर्डिंगली प्लान। आपने ये जो LIC मनी बैक पॉलिसी ले रखी है कब ली है? दिस वाज टेकन इन 2017। तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि मनी बैक नहीं लेना चाहिए था? Not really. कितने आपको कितना मिलेगा कुछ सालों के अंतराल में? What is the policy term in terms of duration? They have mentioned it around 12 lakhs. After? After something like 15 years. After 15 years. तो मनी बैक में आपको कुछ सालों में कुछ परसेंटेज भी मिलता होगा ना? या तो वो अभी मिला है आपको, कोई किस्त मिली है? बिट ऑफ बट नॉट मच, इट्स मोर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस वी हैव कीपिंग इट। ओके,
2 करोड़ रुपए 2 साल में आपको चाहिए, क्या करना है आपको? नो, वी नीड 2 करोड़ इन 10 ईयर्स. यू नीड 2 करोड़ इन 10 ईयर्स. आई विल जस्ट क्रॉस चेक इट. येस, यू नीड 2 करोड़ इन 10 ईयर्स, राइट? सो क्या करना है आपको 10 साल में? यू वॉन्ट टू रिटायर अर्ली? नो नो नो, इट्स मोर फॉर द हाउसिंग एंड प्लान. घर खरीदना है आपको? कैन यू रिपीट? घर खरीदना है आपको अपना? या. तो 1 CR आपने कैलकुलेट किया हुआ है ना? या. ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज 23 साल की उम्र में हम अमूमन इतना किसी को निवेश करता हुआ देखते नहीं हैं. सो आपके फादर ने आपकी बहुत बढ़िया हेल्प की है. 62,500 का आपने 1 साल से अभी तक निवेश शुरू किया हुआ है और 10 साल के बाद खुद का घर भी खरीदना चाहती हैं इसी निवेश के ज़रिए. विश्वजीत जी बताएं, ये अपने टारगेट को मीट करेंगी या उसके पार जा सकती हैं? जी ऑफ कोर्स, जैसा आपने बोला मैं भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा. रचना, वेरी गुड, यू हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में SIP जो कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हैं उसमें आपको पूरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलेगा. यू विल रीप द बेनिफिट्स ऑफ रियल ट्रू म्यूचुअल फंड्स. सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन. आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट उसमें अगर आप देखें तो आपका 30% करीब एक्सपोजर एक इंडिविजुअल AMC में है. सो माई एडवाइस टू यू इज कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं किसी एक AMC में मैक्सिमम 15% से ज्यादा एक्सपोजर ना हो आपका टोटल पोर्टफोलियो का, क्योंकि AMC स्पेसिफिक रिस्क हो जाते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप डाइवर्सिफाइड रखें अक्रॉस AMCs भी, जो अच्छी AMCs हैं और अच्छे उनके फंड्स हैं उसमें डाइवर्सिफाइड रखें अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यू नो इन्वेस्टमेंट्स. तो वो आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है. इफ आई सी योर पोर्टफोलियो विच लुक्स, जिसमें आपने 62,000 रुपये निवेश करे हुए हैं करीब करीब महीने के और आपका गोल 2 करोड़ का है, तो मेरे हिसाब से कम से कम आपको 28,000 की SIP और एडिशनली इंक्रीज करनी पड़ेगी. तो करीब 90,000 की अगर SIP हर महीने चलेगी तो 10 साल में आप अपना 2 करोड़ का गोल इजीली अचीव कर पाएंगे. आई एम एज्यूमिंग की रिटर्न 12% रहेंगी लॉन्ग टर्म में. म्यूचुअल फंड में कंजर्वेटिवली हम 12% का रिटर्न लेके चलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है, बट वो हम 12% ही लेके चलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी इंडिविजुअल AMCs के साथ एक्सपोजर ज्यादा है, कुछ फंड्स इफ आई सजेस्ट, ICICI टेक फंड बहुत अच्छी रिटर्न्स रही हैं लास्ट ईयर तक. तो आई वुड सजेस्ट कि अभी लास्ट 6 महीने में अगर देखें तो काफी वॉलेटाइल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी नहीं है. तो आई वुड सजेस्ट यू टू स्विच टू ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड. तो आपको टेक फंड में अभी रिटर्न आप खुद भी चेक करेंगे तो आपको दिखेगा लास्ट 3 महीने 6 महीने में काफी अच्छी रिटर्न्स नहीं रही है. इसके अलावा फॉर एडिशनल 28,000 जो आप इन्वेस्ट करेंगे, आई वुड सजेस्ट आपने एक मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ले रखा है, बहुत अच्छा फंड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, अभी 2,500 का आपका उसमें एक्सपोजर है, तो उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं आप, 2,500 करीब और डाल सकते हैं. इसके अलावा कुछ फंड्स आई वुड सजेस्ट यू, कैनरा रिबैको फ्लेक्सी कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं. एक डिफरेंट कैटेगरी है UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड्स, बिकॉज काफी स्टॉक प्राइसेस आजकल गिरे हुए हैं, तो UTI वैल्यू फंड ऐसा ही करता है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है किसी स्टॉक की जो अभी गिरी हुई है और उसको लगता है फंड मैनेजर को कि आने वाले समय में वो ऊपर जाएगा, तो वो ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस कैटेगरी में भी एक्सपोजर ले सकते हैं. इसके अलावा HDFC मल्टी कैप फंड, ये भी एक कैटेगरी है जो मिसिंग है अभी आपके पोर्टफोलियो में. तो थोड़ा फ्लेक्सी कैप, थोड़ा यू नो वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड और एक मल्टी कैप फंड और जो मिरर एसेट इमर्जिंग है उसमें आप इंक्रीज एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं. तो आपका 90,000 का जब पोर्टफोलियो बन जाएगा तो 100% चांसेस हैं कि आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे. सो दैट वुड बी माय एडवाइस. कृष्णा, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए. उम्मीद करते हैं कि विश्वजीत की समझाए विश्वजीत सर की सलाह आपको समझ में आ गई हो और उसी के आप अपने पोर्टफोलियो में अब आगे बढ़े निवेश रणनीति को लेकर. चलिए इसी के साथ शो को भी आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है और साथ